हाँ जी, वॉइस क्लियर है? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वॉइस क्लियर फटाफट चेक कर लीजिए. अभी मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, जैसे लास्ट क्लास वाले चैप्टर को छोड़ते हैं, अभी कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, साथ के साथ नोटिंग करिए. हाँ जी, पहले नोटिंग कर लीजिएगा. ये फर्स्ट क्लास है बिल्कुल. सिर्फ अभी नोट करना है आपने, मैं फटाफट समझा दूंगा इसको, थोड़ा अलग तरीके से कर लेते हैं. Thank you.
फर्स्ट क्लास ही है ये, फर्स्ट क्लास, पहली वाली क्लास को मत कंसीडर करना। कुछ एरर था या फिर फॉर्मूले मैं दोबारा बना के लिखवा रहा हूँ इजीएस्ट वे में, तो कि आपको ठीक रहेगी। Thank you.
हाँ जी ध्यान दीजिए। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। चैप्टर का नाम है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम एक बार बेसिक समझ लेते हैं। बेसिकली इस चैप्टर का नाम कई जगह पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर ये चैप्टर पहले करवा दीजिए फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे, तो इसलिए मैं आज और एक क्लास शायद और ले लूं डाउट के लिए जो कि रहेगा। सबसे पहले बात करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TVM भी कई बार बोल देते हैं। टाइम वैल्यू की बात करें ना, हाँ जी बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, टाइम वैल्यू, आवाज किसी की नहीं आना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। टाइम सर दो ही टाइम हो सकता है, टाइम इज इक्वल टू या तो हमारा टाइम होगा प्रेजेंट में या टाइम होगा हमारा फ्यूचर में, दो ही टाइम हो सकता है। इसके हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है एक अमाउंट के डिजिट में, और सर अमाउंट में जो भी कैलकुलेट होगा ना तो वो यूनिट होने वाला है ना कुछ होने वाला है, वो हमेशा कोई ना कोई रुपीज को करना है हमारा। तो रुपीज को अमाउंट में या तो हमसे परसेंट में पूछा जाएगा या फिर हमसे फ्यूचर में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे सवाल क्या हो सकता है, सवाल नंबर वन हो सकता है आपका कि आपको परसेंट वैल्यू दे दे और आपसे फ्यूचर वैल्यू, और आपसे फ्यूचर वैल्यू क्या करे, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं इसका मतलब पूछ ले। नंबर दो हो सकता है आपका, आपको फ्यूचर वैल्यू दे दे और आपसे क्या पूछ ले, प्रेजेंट वैल्यू। दो ही सवाल होते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है एन्युइटी। सबसे पहले हमें समझना होगा एन्युइटी का मतलब क्या होता है। मैं कुछ सीरीज आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें से एन्युइटी क्या होगा। एन्युइटी का मतलब हमेशा याद रखिएगा, एन्युइटी का मतलब होता है सेम अमाउंट और सेम इंटरवल। मान लेते हैं मैंने यहां पर लिख दिया ईयर 2, 3, 4 और 5। अमाउंट है मेरा 5,000, 5,000 और 5,000 और 5,000 और 5,000। इसको हम एन्युइटी बोलेंगे। यहां पे एन्युइटी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर यही मैं बोलूं 5,000, 6,000 और 6,000 के बाद 7,000, 5,000 और 5,000, ये आपका एन्युइटी नहीं है, ये आपका एन्युइटी नहीं। तो सबसे पहले समझना, क्योंकि मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपलिसिटी और किया है कि भैया जब एन्युइटी वाला होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, जब बिना एन्युइटी वाला होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। टोटल इस पूरे किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम चार ही फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, उसी चार फॉर्मूले से हम पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ज्यादा फॉर्मूले बना के कोई फायदा है नहीं। और सबसे मेन इस चैप्टर में पता है क्या, फॉर्मूले तो आपको पता चल जाएगा, जैसे भी मैं बताऊंगा भी कौन सा फॉर्मूला है। सबसे मेन रहता है कि सर किस सिचुएशन समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है या फिर फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, ये जानना जरूरी है। एक ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 अब नहीं दिया, 3,000 अब नहीं दिया, या फिर 5,000 और 5,000। तो सर अभी भी 5,000 रुपए ही है, लेकिन इसका इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको भी एन्युइटी हम नहीं मानेंगे। तो एन्युइटी का मतलब क्या है, जहां पे हमारा सेम वैल्यू हर साल सेम इंटरवल हो, मंथली हो तो हर महीने होना चाहिए, ये नहीं कि पहले महीने और तीसरे महीने हो, ईयरली हो तो हर ईयरली, क्वार्टरली हो तो हर क्वार्टर में, तो यानी इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल के बीच में होगा तभी माना जाएगा। सर इसके अंदर
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो तरीके पूछे जा सकते हैं सर। प्रेजेंट वैल्यू में दो सवाल हो सकते हैं, या तो भैया प्रेजेंट वैल्यू बता दो या प्रेजेंट वैल्यू में हमें ईएमआई बता दो। अगर प्रेजेंट वैल्यू में ईएमआई का मतलब है एन्यूटी, या तो प्रेजेंट वैल्यू में बोलेगा या तो प्रेजेंट वैल्यू टोटल अमाउंट बता दो या प्रेजेंट वैल्यू की ईएमआई बता दो। फ्यूचर में भी ऐसे ही पूछ सकता है आपका, या तो आप फ्यूचर वैल्यू बता दो या फिर फ्यूचर वैल्यू का क्या बता दो, एन्यूटी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था, जो कि एक क्वेश्चन था, उसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो भी क्वेश्चन है सीक्वेंस से टॉपिक वाइज मैंने अरेंज कर दिया, जो कि फटाफट होता जाएगा। सर इसको करने के लिए फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला है हमारा। अगर मैं फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये हमारा फॉर्मूला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एक प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग और एक फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट वैल्यू में दो फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू और पीवीएफ इनटू में आर एन। आर क्या है सर यहाँ पे इस सवाल के अंदर, आर क्या है, आर स्टैंड फॉर रेट, आपको बहुत पहले से भी पता ही है। एन आपका टाइम है, ठीक है ना। तो पीवी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पीवीएफ क्या है सर, पीवीएफ निकालने का फॉर्मूला ये होता है। और सिंपल सी बात करूं तो ये जो है एग्जाम में टेबल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, हम इसको कैलकुलेटर पे निकालना सीखेंगे। कैसे निकालना सीखेंगे अभी मैं बता देता हूं इसका निकालने का तरीका, या फिर क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे निकालते जाएंगे। दूसरा है सर यहाँ पे आ जाता है पीवी, पीवी तो पता ही है, एन्यूटी कैसे निकाला जाए। तो एन्यूटी निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि जितने भी पीवीएफ होते हैं, जिसको जीटी करके निकाला करते थे, वही रहेगा। सर पीवीएफ का फुल फॉर्म क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या ना फुल फॉर्म है इसका, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम एन्यूटी। अब सर सवाल में क्या पूछ सकता है आपसे, सवाल में ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा कितना हमारा है बताओ, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा और ये पूछ लेगा, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा, ये, यानी कुछ भी पूछ ले इन तीन पॉइंट्स में। अगर दो दो पॉइंट दे दे तो तीसरा आप आगे पीछे करके डिवाइड करके इजीली बता दोगे। सर अगला है हमारा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के अंदर क्या होता है सर, फ्यूचर वैल्यू के अंदर क्या होता है, सीवीएफ। सीवीएफ का मतलब होता है हमारा यहाँ पे कंपाउंडेड, यहाँ पे सी का मतलब रखा गया है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड जो होगा हमारा आपका कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना, सीवीएफ कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर। अब इसके अंदर दो पार्ट हो सकते हैं, या तो हो सकता है एन्यूटी से रिलेटेड यानी किस्त वाला पूछेगा, या फिर बिना किस्त वाला फ्यूचर वैल्यू पूछेगा। इसके अंदर क्या है, कंपाउंडेड वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। सर कंपाउंडेड वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, ये भी सर हम कैलकुलेटर पे निकालना सीखेंगे और ये भी कैलकुलेटर पे निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला आपको दे रखा है सीवीएफ 1 + r की पावर n, और यहाँ पे है 1 − r की पावर n/r। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उस हिसाब से हम इसको सीखते जाएंगे। तो जब तक फॉर्मूले आपको याद नहीं होगा, जब तक हम क्वेश्चन कुछ अप्लाई नहीं कर लेते। तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपके सामने क्वेश्चन है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है अभी फिलहाल के लिए मैं आपके किताब से मैंने इसको करा है प्रिपेयर, जो कि आपके बुक के आरपी रस्तोगी का है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर, आप उसको देख भी सकते हैं, आपके पास अगर किताब हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है अ स्टूडेंट इज अवॉर्डेड स्कूल स्कॉलरशिप 2 ऑप्शन, यानी एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट को ना 2 ऑप्शन दिया। स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी प्राइज दिया जा रहा है। 2 ऑप्शन दिया गया, बोला गया कि भैया एक काम करो आप, टू रिसीव 1100 रुपये नाव, या तो आप 1100 रुपये अभी ले लो। नाव का मतलब, यानी बोला गया आपको प्रेजेंट वैल्यू दे दिया गया कि या तो आप एक काम करें सर 1100 रुपये अभी ले लें। दूसरा बोला गया कि आपको रिसीव होना है 100 रुपये हर महीने के हिसाब से, और टू बी नेक्स्ट 12 मंथ, 12 महीने तक आपको 100 100 रुपये मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है, पहले मैंने 100 रुपये, फिर अगले मैंने 100 रुपये, फिर अगले मैंने 100 रुपये, फिर अगले मैंने 100 रुपये, यानी कंटिन्यू 12 महीने तक आपको 100 100 रुपये मिलेंगे। विच ऑप्शन इज चूजन, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। और बता दिया गया रेट क्या है आपका, यानी ये क्या दे दिया इसने, एक तरीके से एक ईएमआई दे दिया है ना, क्या दे दिया इसने, ईएमआई दे दिया कि इतना ईएमआई होगा। तो और रेट क्या हो गया हमारा सर, रेट हो गया हमारा यहाँ पे 12%। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हम आंसर तो निकाल लेंगे। हमारा ऑप्शन बेस्ट पता है कौन सा माना जाता है, जिसके अंदर हमारा बेनिफिट ज्यादा हो। अगर मुझे आज 1100 मिल जाए
और फ्यूचर में जो धीरे धीरे पैसे मिल रहे हैं उन सब की एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1100 रुपए से ज्यादा बन रहा है, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए भैया, 100 रुपए महीने का ले लेना चाहिए। लेकिन ये 100 रुपए मिलेंगे इसको अगली बार, ये 100 रुपए उससे अगले महीने, ये 100 रुपए उससे अगले महीने, ये 100 रुपए उससे अगले महीने, तो हम इस सभी वैल्यू को, ये कौन सा वैल्यू है सर हमारा, प्रेजेंट वैल्यू, इन सभी वैल्यू को अगर हम प्रेजेंट में खींच के ले आए तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी पहले वाले के केस में तो कोई करने की जरूरत नहीं। आंसर देखिए, केस नंबर वन, सर केस नंबर वन का आंसर है सर यहां पे 1100 रुपए, यहां पे नो नीड टू एडजस्टमेंट। सर पहले केस में एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, उसने खुद ही क्या दे दिया आपको, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया। अब केस नंबर टू, केस नंबर टू में आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो सर प्रेजेंट वैल्यू में अब इसके अंदर देखो सिम्ट, आप बताओ क्या यहां पे आपको किस्त दे रखा है, क्या हर महीने की किस्त गिवन है आपको? लेकिन आप ये ध्यान रखना जो रेट है ये पर एनम है, रेट क्या है और किस्त जो है वो क्या है, मंथली। तो हम रेट को ना मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। रेट को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हमारा जो न्यू रेट आएगा 12/12, इट मीन्स 1% है ना, और 1% को क्या 0.01 हम लिख सकते हैं, 1% को 0.01। तो पीवी का फॉर्मूला देखिए, अब इसको एक बार पेज को एडजस्ट कर दें, ठीक है सर पीवी। अब देखिए फॉर्मूला दो है, एक तो बिना इंस्टॉलमेंट का होता तो मैं ये लगा लेता, और ये वाला कौन सा है हमारा, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हमें जो फ्यूचर में हर बार पैसे मिलेंगे उसको आज की वैल्यू को ले आएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला, सबसे मेन, देखो सवाल सारे आसान हो जाएंगे अगर आपने राइट फॉर्मूला चूज कर लिया कि ये अप्लाई होगा। आपके सामने देखो ये भी है फ्यूचर वैल्यू, पर आपको ये नहीं पता करना कि आज मेरे 100 रुपए कल कितने होंगे, ये तो नहीं पता करना। आपको ये पता करना है जो धीरे धीरे करके मुझे पैसे मिलेंगे उस सबकी आज कितनी वैल्यू है। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है तो वो तो ईएमआई वाला है नहीं, एन्यूटी वाला है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या कहता है, पीवी एन्यूटी पीवी एएफ। तो सर फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितना होगा इनटू में पीवी एएफ, यानी हमें फ्यूचर में कितना कितना मिलता जाएगा, यानी इसका मतलब, सॉरी मैंने फ्यूचर वैल्यू लिख दिया, यहां पे लिखना है एन्यूटी अमाउंट, क्या लिखेंगे, एन्यूटी इनटू में पी वी ए एफ, ठीक है, और आर और एन। सर प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है, एन्यूटी कितना है हमारा 100, और पी वी ए एफ आर एन करने का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा है, ऑल दो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, और इन सभी को जोड़ते जाएंगे, प्लस 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 करके जोड़ देंगे ये, ठीक है ना। इसका कैलकुलेटर पे कैसे निकाला जाए, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टेक्निक होते हैं, लेकिन हमने जो कैपिटल बजटिंग में अप्लाई किया था जीटी वाला ऑप्शन वही करेंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है, आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.01। कैलकुलेटर पे पहले प्रेस करना है, मैं बताता जाऊंगा, और आप सभी कैलकुलेटर निकाल लें, और ये सिर्फ इस टाइप के कैलकुलेटर पे अप्लाई होगा, मोबाइल वगैरह में ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। कुछ बच्चे मोबाइल पे करेंगे तो परेशान होंगे, फायदा नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर पे आप इसका यूज कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले सर वन कहाँ से आया, वन फॉर्मूले का पार्ट है, और वन प्लस आर जब करोगे आप तो सर वन प्लस आर का मतलब क्या है, वन तो ले लिया मैंने, मैं अगर इसको और भी डिटेल में लेके चलू ना, तो यहां पे लिखो सर वन प्लस आर, तो ठीक है सर वन तो है, आर कितना है 0.01। अल्टीमेटली इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1.01, यही बनेगा हमारा। अब हमने कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.01, अब जैसे ही हम एक बार प्रेस करेंगे तो एक साल की वैल्यू आ गई, ये पहले साल की वैल्यू आ गई, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और एक साल की वैल्यू आ गया। हमें कितने महीने तक, एक साल का वैल्यू है लेकिन हमने रेट को कन्वर्ट कर लिया मंथली में, तो ये एक महीने की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो एक महीने की वैल्यू, हमें कितने महीने तक जाना है यहाँ पे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमेशा याद रखिएगा जब इसके ऊपर आप इक्वल करेंगे ना, हर बार इक्वल,
तो पहला जो वैल्यू आपको निकल के आएगा ना डिजिट, वो दूसरे नंबर से कैलकुलेटर पे नंबर टू दिखेगा आपको। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने क्या करा, 1 डिवाइडेड बाय 1.01। जैसे ही हमने इसको इक्वल प्रेस किया तो ये पहले साल की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे डिजिट में देखो 3 लिखा हुआ आएगा। तो आप कई बार इक्वल टू करते हुए भूल जाओ, तो आपको पता है अगर आपका यहाँ पे 14 लिखा आ रहा है तो मतलब 12 है, और यहाँ 13 लिखा आ रहा है तो मतलब उसके हिसाब से 2 कम करते जाओगे वैल्यू को। तो सर मैं फटाफट फटाफट कर लेता हूँ, 6 है अभी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अब 13 है, तो सर ये तो हुआ नहीं, अब 14, अब हो गया ये 12 महीने का। इसके बाद हमें प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर में क्या, GT, यानी इसको 12 बार हमें इक्वल टू प्रेस करना है। सर इसको इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार करना है, ये 12 टाइम। उसके बाद बटन प्रेस करना है आपको GT, तो GT करने के बाद आ गया 11.25। तो सर अगर हमें PV सॉल्व करने को दिया जा रहा है तो बड़े आसानी से हम PV सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर रख देते हैं थोड़ा, क्या आएगा PV सर, PV इज इक्वल टू 100, और ये आ गया 11.5, 11.255। आप एग्जाम में देखो, अगर आपने सीधा, आपको पता है सर आप कैलकुलेटर पे निकाल लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम में ये लिख के आ जाना है आपने फॉर्मूला, ठीक है, कि ऐसे ड्राइव हुआ है, उसके बाद कैलकुलेटर करो। तो सर इसका जवाब कितना आ गया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो 1125। तो अगर हम किस्तों में पैसा लेना, किस्तों में अगर हम पैसा लें तो हमें पूरे साल में 1125 रुपए रिसीव होंगे, हालांकि 1200, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया। किस्तों में ले तो 1125 मिलने वाला है, और आज ले ले तो कितना मिलेगा, 1100। तो स्टूडेंट के लिए कैसे स्कॉलरशिप लेना बेटर है, स्टूडेंट को दूसरा ऑप्शन चूज करना बेटर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू इज बेटर, किससे बेटर, ऑप्शन नंबर वन। पहले देखिए इस सवाल में कोई डाउट, बच्चों ने बता भी दिया ऑप्शन नंबर टू बेस्ट है, ठीक है। सचिन का कहना है सर एन्यूटी 100 कैसे, एन्यूटी 100 कैसे आया, क्योंकि बोल रखा था ना इसने कि आपको 100 रुपए पर मंथ मिलेगा, तो यानी मैंने बताया ये हर महीने 100 100 रुपए, तो किस्त को सिंपल सी लैंग्वेज में देखे तो किस्त को एन्यूटी बोलते हैं। लेकिन किस्त का मतलब ये नहीं कि 100 150 200, ऐसे नहीं, 100 कंटिन्यू होना जरूरी है। एक और सवाल करेंगे, वहां पे भी देखना किस्त आएगा, लेकिन वो एनुटी नहीं माना जाएगा। सर फॉर्मूला तो पूरा लिख दो, पीवी का फॉर्मूला, पीवी का पूरा वो पीछे लिखा है ना, ये पूरा ही फॉर्मूला है, इसके अलावा क्या लिखें, ये रहा पीछे, अभी आपको मिलेगा, मैंने बोला साथ के साथ नोट करना, यही है पीवी का फॉर्मूला। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। सवाल पढ़ते हैं, अज्यूम, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, ये किताब का आपका कौन सा क्वेश्चन है सर, ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर आपकी किताब का 1 है, 2.1, कौन सी किताब सर, जो आपके पास किताब है उसकी बात कर रहे हैं हम, यानी जो आरपी रस्तोगी का 2.1 है। पहले हम ये सारा बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आ जाएगा हमें। सर यहां पे कहता है अज्यूम दैट डिपॉजिट टू बी मेड ईयर जीरो, हम ईयर जीरो का मतलब क्या होता है ये भी समझना है, जैसे ईयर 1 2 3 4, तो ये अगला साल है, ईयर जीरो का मतलब आज की बात कर रहा है। तो यहां पे कहता है ये क्वेश्चन में कि सर ये जीरो डिपॉजिट करेगा अकाउंट, और जैसे ही ये पैसा जमा करेगा ना, इसे 8% की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, कंपाउंडेड एनुअली मिलेगा। तो सर जितने भी इंटरेस्ट बात होगा कंपाउंडेड एनुअली था, पिछले भी बार कंपाउंडेड ही था। इट वॉज डिजायर टू विड्रॉल, ये चाहता है कि हम विड्रॉल करें 5,000 रुपए, कब, तीसरे साल में, और ये चाहता है कि मैं 7,000 रुपए विड्रॉल करूं, कब, छठे साल में, फ्रॉम नाउ, आज के दिन से, मैं ये चाह रहा हूं कि आज के दिन से मुझे कौन से साल में, तीसरे साल में मिल जाए 5,000, और मैं ये चाह रहा हूं कि आज के दिन से मुझे छठे साल में मिल जाए कितना,
7,000 अलग अलग टाइम पे पैसे चाहिए। व्हाट इज द साइज ऑफ ईयर जीरो डिपॉजिट दैट विल बी फ्यूचर पेमेंट। यानी कहने का मतलब है सर, हमारे पास टोटल मिला के देखा जाए तो 7 साल है, ये जीरो ईयर है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और ये 7 साल। अब यहां पे हम बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भैया तीसरे साल में ऐसा क्या पैसा जमा करूं कि तीसरे साल में मुझे रिसीव हो जाए 5,000, और ऐसा क्या पैसा जमा करूं जो कि 7,000 रिसीव हो जाए कौन से साल में, हमारा छठे साल में। छठा ही साल है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां साल है छठा। अच्छा, मैंने 1 साल ज्यादा ले लिया, चलिए छठे साल की बात हो रही है। अब सिंपल सी बात है, जब मैं आज के दिन पैसे जमा करूंगा तो उसके ऊपर ब्याज लग लग के आगे जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। कहता है सर ब्याज का रेट 8% है, यानी वट एवर अमाउंट। कहने का मतलब है सर ऐसा कुछ भी रुपए बता दो कि जैसे ही मैं इस दिन पहुंचू ना इस दिन, तो मेरे पूरे 5,000 मिलने चाहिए। अगर मैं आज के दिन 5,000 रुपए जमा करूं तो कल के दिन मुझे 5 नहीं मिलेगा, ब्याज लग लग के क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इतने पैसे रखूं कि वही मिले हमें। तो इसका मतलब सर, इसका आज का हम क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। इसका आज का यानी इसको खींच के आज, सवाल तो आज पूछ रहे हैं ना, इसको खींच के आज वाले दिन एग्जामिनर को जवाब बता देंगे, और उसको भी खींच के यानी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। अगर पूछे एग्जामिनर बताओ कल कितना मिलेगा, तब तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं। वो पूछ रहा है कितने पैसे जमा करें आज, नाउ टुडे, तो सर प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो सर सिंपल सी बात है, 8% का हम कैसे निकालें। सबसे पहले क्या ये एन्यूटी है या नहीं है, पहले ये बताइए। एन्यूटी का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दो केसेस हो गए और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके आंसर दिया जाएगा। यानी सर केस नंबर, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा सर, प्रेजेंट वैल्यू होगा फ्यूचर वैल्यू, अब इनटू में क्या होगा, पी वी एफ और आर एन, यही फॉर्मूला लिखवाया था सर। प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है केस नंबर वन, केस नंबर वन प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है सर, मुझे 3 साल बाद चाहिए 5, तो फ्यूचर वैल्यू हो गया ना 5,000 इनटू में पीवीएफ आरएन। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था सर आपको, इसका फॉर्मूले में मैंने बताया था 1/1 + r^n, जो भी रहेगा उस वाले साल का चाहिए। इसका मतलब मैं बड़े बेसिक सा फॉर्मूला एग्जामिनर को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे, हम करेंगे अपने कैलकुलेटर पे। 8% है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन बता रहा हूं, कैलकुलेटर पे आप करिएगा 1/8% है तो 1/0.8 यानी 1/1 + 0.8 और इसके ऊपर n जो भी जाएगा हमारा वो लेके जाएंगे। यानी कैलकुलेटर पे 1 करना है डिवाइडेड बाय 1.08, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 1/1.08। अब सर कितने साल का चाहिए आपको, 3, तो 3 बार, ये जो निकल के आया अभी 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, यानी कैलकुलेटर में जब 5वां नंबर दिख रहा है तो 3 साल का होगा। तो सर यहाँ पे वैल्यू जो 1 रुपए की बनेगी ना, वो 0.793 समथिंग। ऐसे हमें छठे साल का भी रेट डिफर होता, बोलता है कि भैया रेट 7,000 वाले के लिए ये है, तो 7,000 वाले का अलग लेके चलते हैं। इसका छठे साल का पूछा गया तो 5 × 3 = 4, 5, 6 यहाँ पे आ रहा है 0.630। यानी सर पीवीएफ जो निकलेगा ना वो आएगा 5,000 पे 0.793। केस नंबर वन का आंसर बताइए, 3965। यानी आज हम 3965 जमा करेंगे तो 3 साल के बाद इंटरेस्ट लग लग के कितना मिल जाएगा, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी। केस नंबर टू सर, केस नंबर टू में क्या है हमारा, 7,000 रुपए, 7,000 ही रहना, इनटू में क्या आ जाएगा हमारा, 0.630, तो कितने आ गए, 4410, कंपाउंडली है। अब इसको दूसरे तरीके से सोचो, ये क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू,
आपने एक बचपन में फॉर्मूला लगाया था, आपका ए इज इक्वल टू, ए क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब ब्याज को जोड़कर। यानी मैं यही तो चाह रहा हूं कि आज की डेट पे इतने पैसे जमाऊं, जमा करूं कि ब्याज जुड़ जुड़ के कितने मिल जाए 3 साल बाद 5। तो आप सिंपल पहले क्या लगाते थे, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर की पावर एन, यही करते थे पहले। तो सर ए क्या है हमारा, ए हमें पता है 5,000। सर ए मान लेते हैं कि नहीं पता, मैं एक पी जो मैंने निकाला है, पी क्या निकाला है 3965। 1 + r कितना है 0.0। 1. r क्या है 0.08 पावर एन। एन का मतलब कितने होंगे सर, एन का मतलब कितने हैं, 3। अब सर इसको देखो, एक तरीके से ए इज फ्यूचर वैल्यू, पहले भी बताया था, पहले छोड़ दो, ए क्या होता है फ्यूचर वैल्यू और पी क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस वाले कैलकुलेशन को 1 पूरा लिख लो आप एक बार, 1.08 लिख लिया, इनटू का सिंबल प्रेस करोगे, जैसे ही एक बार दबाओगे तो इसका मतलब ये हो गया 2 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना 3 बार इसकी पावर को, किसी को 2 की पावर 3 कैसे करोगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 2 × 2 में कितनी पावर हो गई, 2 हो गई, 2 की पावर 2, और एक बार और करेंगे तो 8 आ गया। तो सेम आपको इसके पावर सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर पे तरीका क्या है सर, आप 1.08 × का प्रेस करना है, यानी 1.08, और आपको प्रेस क्या करना है सर, इंटू का बटन, इसके बाद इक्वल टू दबाइए। तो जब पहली बार इक्वल टू दबाएंगे तो वो 2 साल का डेटा होगा, 2 साल के बाद तीसरे साल का डेटा आ गया 1.16, यानी जो मेरे पास यहां इसका वैल्यू सॉल्व करके आया है, यहां पे इसका वैल्यू सॉल्व करके जो मैंने निकाला है, वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स फोर गलत करा गया क्या, अच्छा इक्वल नहीं दबाया, 1, 2, 1.25 आ रहा है ना, 1.259712, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3900, अगर इसको 3965 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 4994, यानी अप्रोक्स 5,000 आ जाएगा। इसको और बेसिक तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, सर क्या पहले साल में आप जमा करोगे कितना सर, और भी बेसिक तरीके से देखो, फोकस रखना, सब समझ में आ जाएगा। कई बार होता है मैंने फॉर्मूला रख लिया, फॉर्मूला दिखा दिया, लेकिन फॉर्मूला बोलते हैं बस फॉर्मूला पुट कर दिया, इसी को मैंने एक तो ये बताया, ये फॉर्मूला आप, मैंने आज नहीं, आप स्टार्टिंग से 8-9 से लगाते आ रहे हो, और मुद्दे की बात यही है, मुझे पता है कि भैया कल कितना पैसा देना है और आज कितना पैसा होगा ये पता करना था, तो मैंने एक फॉर्मूला लगा के कौन सा पैसा पता कर लिया आज का, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ए पी, मैं मुझे पता है कि ए होगा 5,000, लेकिन मैं मान रहा हूं कि हमें नहीं पता एक पल को, तो मैंने ये वाला वैल्यू निकाला और इसको मल्टीप्लाई करा तो इस तरीके से आ गया। कंपाउंड का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सर पहले साल में हमने कितना जमा किया था, 3965, तो मैंने करा होगा 3965, इसके ऊपर कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 8%, तो पहले साल के एंड में जो होगा ना मेरा 3965 और प्लस 3965 पे 8%, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर 3965 रुपए बैंक में जमा करोगे, साल के एंड में ब्याज लग के आपका टोटल पैसा कितना हो जाएगा जो सेकंड ईयर में आ जाएगा आपके लिए, कितने 317, 3965 प्लस 317, तो कहने की बात है सर पहले साल में हमारा आ जाएगा 4282 रुपए, यानी ये दूसरे साल के शुरुआत में आ गया, पहले साल जमा किया एंड में ब्याज मिला, दूसरे साल के शुरुआत में आ गया। आप सिंपल सी बात करो, 1,00,000 रुपए जमा करोगे, 10% ब्याज है, तो साल के एंड में कितना मिलेगा बताओ, 1,10,000 मिलेगा। फिर दूसरे साल क्या करेगा बैंकर, आपका 1,00,000 रुपए जमा नहीं करेगा, फिर से उसको दोबारा से इंटरेस्ट में क्या करेगा, 1,10,000 ही जमा करेगा। अब फिर से दूसरे साल में मैं जमा कितना करने जा रहा हूं, 1,10,000, तो 42,82 और इस पे प्लस क्या होगा, फिर से देखो जिनको पता है कैलकुलेशन उनको बड़ी सिंपल सी बात लग रही होगी,
तो सर इसके ऊपर निकालिए कितना बनता है, ये 342 और जोड़ दें तो देखिए ये आ गया हमारा 4624। 2 साल हो गए, तीसरे साल का पता करना था, तीसरे साल में क्या करूंगा मैं, फिर से ये 4624 रुपए बैंक में जमा हुआ और इसके अंदर फिर से ब्याज मिल जाएगा कितने, 369 ना। अब देखो ये आ गया 4993, तो अप्रोक्स हमारा वही आ गया। तो आप जैसे मर्जी तोड़ मड़ोड़ के कर लो, ये लगाया जो फॉर्मूला था ये था पीआरटी वाला, आपका होता है ना पीआरटी, प्रिंसिपल इनटू रेट, ठीक है ना, इनटू में टाइम जो भी था, तो इस तरीके से था। मैंने हर एक साल का लगाया और हर एक साल को क्या करा, इंटरेस्ट जोड़ के कंपाउंडेड करता गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने जो बताया आपको, ये फॉर्मूला उसके हिसाब से बस आपको फॉर्मूला का बस एक अंदाजा हो के सर ये जेन्युइनली, क्योंकि बुक के अंदर सारी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला आपको बता दिया कि भैया ये लगाना है और ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, इसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, बात ही खत्म हो गई, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा पहले का आंसर था ये, और दूसरे का आंसर आ गया ये, सवाल नंबर 2 भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत? इसको भी आप प्रूफ करके देख लेंगे। सर सवाल नंबर 3, अभी तक हमने अगर आप देखो ना तो हम फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन करके दिखाया था प्रेजेंट वैल्यू पता था और उससे हमने कौन सा वैल्यू निकाल लिया था, फ्यूचर वैल्यू। तो अभी आने वाले सवाल में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे वही अप्लाई करेंगे। क्या कहता है सर, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच द पर्सन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट टूडे, यानी आज कितने पैसे एक्सेप्ट करेगा ये अगर डेटर अदरवाइज हैज टू पे अ सम 5,000 पे करता है डे, 6,000, 8,000, 9,000 एंड 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यानी कहने का मतलब है भैया अभी तो मैं तुम्हें कितना दे रहा हूं, अभी ले लो मेरे से टूडे, टूडे ये थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, ये टूडे है ठीक है ना, अभी कितना ले लो आप 5,000, यानी 0 साल में कितना मिल जाएगा, पहले साल में कितना मिलेगा 6, दूसरे में कितना 8, फिर तीसरे में 9 और चौथे में 10। आपका रिप्रेजेंटली फ्रॉम टुडे, आपका रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टुडे द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी टेकन 14%। यानी सर फिर से कहानी देखो, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, आपको पैसा आज भी मिल रहा है, कल भी मिल रहा है, परसों भी मिल रहा है, आपसे एग्जामिनर कहता है भैया मुझे बता दो ये सारे पैसे आज कितने के बराबर मिलेगा, यहां पे किस्तों में मिल रहा है ना पैसे, लेकिन किस्त क्या सेम है, नहीं है। तो क्या एन्यूटी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई होगा पीवी इज इक्वल टू क्या करें, एफ फ्यूचर में जो मिलेगा मल्टीप्लाई बाय पीवी एफ और आर एन जो भी हमारा रहता है, यही रहेगा। इसको एक और आसान तरीके से कर लेते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो टेबलर फॉर्म में कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अलग अलग किस्तों को बार बार आप करोगे, पहले केस के लिए अलग निकालोगे, दूसरे केस के लिए अलग निकालोगे, तीसरे के लिए अलग निकालोगे, हर किसी का, क्योंकि टाइम अलग है, हर किसी पे रेट अलग मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम क्या करें, चलिए सर ये थोड़ा बड़ा बन गया, 0 year 1 2 3 4, 4 साल का कहानी है यहां पे, 4 year का टोटल हमें समझना है। और देखा जाए तो 0 year में मुझे कितने मिलने हैं, फर्स्ट ईयर में कितने मिलने हैं, सेकंड ईयर में, फोर्थ थर्ड ईयर में और फोर्थ में, ये क्या हो गया सर, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हो गया ना। अब हम निकाल लेंगे यहां पे पी वी एफ, सबका लाइन से निकाल लेंगे। जब हम इसको क्या गलत हो गया, 10 तो लिख तो दिया,
फर्स्ट में सिक्स है, जीरो सिक्स, और यहां कितना है, ये एट है, ऊपर नीचे हो गया एट, और ये नाइन है, ठीक है। चलो अब देखो एक और, चलिए सर ये जो निकलेगा वो निकलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, या आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, मैंने थोड़ा सा गलत वर्ड, प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। अगर फ्यूचर वैल्यू के उसके पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा। यही फॉर्मूला कहता है कि फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू को पीवी फैक्टर से क्या करो, तो इसका पहले का पीवी फैक्टर का जीरो का वन ही रहेगा, आज की डेट में मिल रहा है तो जीरो का क्या रहेगा, वन। अगले साल का क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 14%, निकाल के बताइए 14% से क्या होगा। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर 1 / 1.4 इक्वल टू दबाइए आगे 76 आगे 674 आगे 59, चलिए मल्टीप्लाई, ये तो 5000 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, कह रहे हैं कि why did find a question, क्योंकि आपको ये सारे वैल्यू जो है a नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम यहां पे p फाइंड कर रहे हैं, a तो फाइंड नहीं कर रहे, p फाइंड कर रहे हैं, 52 आगे 6100 आगे आगे, सबको टोटल कर देते हैं, अट्ठाईस हजार। और जितने भी क्वेश्चन हम कर मैं करवा रहा हूं सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 10 ईयर में भी मिल जाएंगे आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 29 आ रहा है, 28409 आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे 28400 ही है, सही से करो एक बार, 400 आ रहा है, क्वेश्चन में बोला है, बोलता है कि मिनिमम अमाउंट एक पर्सन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच पर्सन शुड बी पे रेडी टू एक्सेप्ट टुडे, वो कितना पैसा है जो पर्सन आज एक्सेप्ट कर लेगा। तो सर फ्रॉम द डेटर, डेटर बोलता है भैया आज मैं तेरे को 5 दूंगा, तो ये तो मेरा 5 ही आज के डेट पे, डेटर बोलता है अगले साल दूंगा 6, तो भैया ये 6 नहीं है ना आज के डेट पे, तो उसको हम पहले लेके आए, फिर डेटर बोलता है 8, फिर एक दिन पहले लेके आए, फिर बोलता है 9, फिर पहले लेके आए, तो इसका मतलब जितने भी फ्यूचर में, यानी आपको एक तरीके से फ्यूचर अमाउंट दे रखा है, फ्यूचर अमाउंट दे रखा है नहीं दे रखा, तो बट ऑब्वियस आप समझो, अगर आपको फ्यूचर अमाउंट दे देगा तो फ्यूचर वैल्यू तो पूछेगा नहीं आपसे, क्या पूछेगा, मैंने बोला सवाल में दो ही बातें पूछ सकता है, या तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाएगा या फिर, तो यहां पे क्या दे रखा था, फ्यूचर वैल्यू, तो क्या पूछेगा वो, प्रेजेंट वैल्यू निकाला हमने, चलिए एक और सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सर क्या कहता है क्वेश्चन में, अज्यूम दैट 20 लाख रुपए, क्वेश्चन में कहता है कि 20 लाख रुपए प्लांट एक्सपेंशन इज टू बी फाइनेंस फॉलोइंग द फर्म मेक 15% डाउन पेमेंट, यानी सर मुझे एक ना प्लांट खरीदना है और वो प्लांट मैं देख के आया हूं और वो प्लांट है कितने का, कहता है फर्म मेक 15% पेमेंट, फर्म ने बोला भैया मैं 15% तो पहले उसको कैश दे ही दूं, जो कि डाउन पेमेंट है, जो कि कितना हो गया
इसका मतलब उसे इंतजाम अब 20 लाख का नहीं करना, कितने का करना है? कहता है एंड बोरो द रिमेनिंग अमाउंट, और बोलता है बाकी वो बोरोड कर लेगा, और बोलता है कि बोरोड जो करेगा ना, ये 17 लाख रुपए, ये 17 लाख रुपए उसे मिलने वाला है 9% के ब्याज रेट पे। समझ में आ रहा है? कहता है द लोन इज रीपेड 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बोलता है कि लोन को हम 8 किस्तों में, इक्वल की बात कर रहा है यानी एन्यूटी की बात कर रहा है, 8 किस्तों में पे करेंगे। लेकिन हम जो 8 किस्तों में पे करेंगे ना, वो 4th साल के बाद से स्टार्ट होगा। कहता है एनुअल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 4th ईयर, यानी 4th ईयर से स्टार्ट होने वाला है। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, क्या पहले और दूसरे और तीसरे साल में मैंने कोई भी पैसा पेमेंट किया है? तो यानी यहां तक आते आते तो ये पैसा 17 लाख के बजाय ज्यादा हो जाएगा। समझिए बात, क्या मैं 17 लाख रुपए की अगर आज से किस्त होता तो ये घटता जाता, लेकिन मैंने 17 लाख पहले साल भी पेड नहीं किया, दूसरे भी नहीं, तीसरे, तो तीसरे साल में क्या ये 17 लाख 17 लाख ही रहेगा या 9% लग के ज्यादा हो जाएगा? यानी आपको इस डेट का वैल्यू पता करना पड़ेगा। यानी आप 17 लाख कौन सी डेट पे है आपका, 0 ईयर में, और आपको वैल्यू कहां पता करना पड़ेगा? तो यानी अब आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है या फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू पता करना है, यानी फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले। आगे कहता है इसके बाद हमें उसको क्या करना है, किस्तें पेमेंट करनी है। इसके बाद हम उसे एक किस्त पेमेंट कर देंगे। सर कितना किस्त देंगे हम उसे? एक इक्वल अमाउंट दे देंगे, और वो इक्वल अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तो हमसे पूछा गया कि लोन रीपेमेंट, तो हमें एक तो इसके बाद निकाल के बताना है एग्जामिनर को ईएमआई, और यहां से अल्टीमेटली एग्जामिनर जानना चाहता है 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्या द लोन इज रीपेमेंट 8, व्हाट इज द साइज ऑफ, यानी ईएमआई कितने की होगी, ये जानना चाहता है। सिंपल सी बात है। तो ईएमआई निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 17 लाख को पहले तो तीसरे साल ले जाएंगे। यानी सर यहाँ फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ को, इसको दो पार्ट में बांटा जाएगा, इस सवाल को दो पार्ट में बांटा जाएगा। एक बांटा जाएगा आपका केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमें निकालना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू। तो सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में क्या बताया था, 1+, या मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इसको बताया था मैंने CVF। ए तो तब लगता है जब एन्यूटी आता है, तो हम तो 17 लाख ही आगे ले जा रहे हैं, कोई किस्त वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही, आर और एन। CVF को मैंने बताया था, सिंपल सी बात था सॉल्व करने का। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू नहीं पता, लेकिन सर प्रेजेंट वैल्यू पता है कितना है, 17 लाख रुपए है। और CVF को क्या बताया था मैंने, देखो 1+r की पावर n, CVF फॉर्मूले में देख कितना सारा हो गया ये। CVF को देखो क्या बोला था, 1+r की पावर n, बड़ी सीधी सी बात है। यानी अगर इस फॉर्मूले को आप गौर करो ना ध्यान से, तो मैंने इसी फॉर्मूले को रिपीट किया है। कौन से फॉर्मूले को, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बाकी एग्जाम में आप यही अप्लाई करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है 1 = p ((1+r)). यही करा है। P क्या, A क्या होता है सर, फ्यूचर वैल्यू होता है। P क्या होता है सर, प्रेजेंट वैल्यू होता है। और ये क्या होता है, PVAF या फैक्टर होता है ये। तो सर ये कौन सा फैक्टर है, क्यूमुलेटिव फैक्टर। 1 से डिवाइड हो जाएगा तो कौन सा फैक्टर हो जाएगा, आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अब इसको करने का क्या तरीका है, 3 साल का कैलकुलेटर पे। तो हमारा 1+ कितने परसेंट है हमारा, 0.9 की पावर कितनी, अच्छा 0.9 होगा, पावर कितनी होगी, 3। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें, 1.09 इंटू दबा के 2 हो गए, ये पहली बार जब प्रेस करोगे तो 2, फिर आपके कितने हो गए, 3, हमें 3 ही तो जानना था। तो इसका मतलब सर 17 लाख, और ये सॉल्व जब मैंने किया तो 1.2950 कितने आ गए,
22 लाख 1,000। हाँ क्या करके बता दो कितना आ रहा है, मैं सीधा ही कर देता हूँ ना, टोटल आ जाएगा सर 22 लाख। 22,15,000, यानी सर अब हम इस डेट पे आ चुके हैं और हमें उसको 22,15,000 रुपए की टोटल पेमेंट करनी होगी। पहले यहां तक समझ में आया, यानी 17 लाख था, 1 साल ब्याज लगा 9%, फिर अगले साल 17 लाख पे जुड़ के ब्याज फिर लगा, जो हमने बेसिक देखा, यानी 22,15,000 रुपए का पेमेंट करना है। अब यहां से बोला गया मैंने बैंकर को कि भैया किस्त बना लो, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कि टोटल, अब जो किस्त बनाओगे इतना किस्त बनाओ कि फ्यूचर में भी आपको 22 लाख ही पेमेंट करना पड़े, इतना किस्त बना दो कि फ्यूचर में आपको कितना पेमेंट करना पड़े टोटल मिला के, तो मैं कह सकता हूं कि ये 22 लाख रुपए 8 साल के बाद पेमेंट होगा। मैं बोल सकता हूं ये 22 लाख की जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो आज नहीं करेंगे, अगर आज ही 22 लाख का पेमेंट कर देंगे तो किस बात का किस्त, कब पेमेंट करेंगे इस 22 लाख का, 8 साल के बाद, और हम आज की किस्त जानना चाह रहे हैं। इसका मतलब सर केस नंबर 2 में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, समझिए क्या जानना चाहता है, प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू में सर तो थर्ड ईयर क्यों सचिन, थर्ड ईयर क्यों, फोर्थ ईयर के तो स्टार्टिंग में इसे ही देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो 3 ही साल बचे हमारे पास, ठीक है ना, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर का मतलब फोर्थ तो छोड़ ही दो, अगर मैं बोलता सिर्फ 4 साल के बाद हम किस स्टार्ट करेंगे तो पूरा 4 साल, मैंने बोला चौथे साल के स्टार्टिंग से किस स्टार्ट हो जाएगा, तो भैया चौथा साल तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि 3 ही साल आपके कंपाउंडेड लगेगा सारा। अब यहां पे हर साल की किस्त क्या होगी, जो भी होगी एक समान होगी अलग अलग होगी, इक्वल, इसका मतलब सर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये लगा दें, और पीवीएफ कुछ नहीं होता, ये जीटी होता है, जिस बच्चे को पता है ना जीटी का मतलब, जो इक्वल 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 करते हैं और जीटी दबाते हैं वो होता है पीवीएफ। आप एग्जामिनर को लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले के लिए मैंने पीछे बताया हुआ है क्या होता है सर, 1/(1)r(n) होता है ये फॉर्मूला हमारा, जो कि हम हर बार करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, तो एन्यूटी हमारा प्रेजेंट वैल्यू पता है हमें, नहीं पता प्रेजेंट वैल्यू हमें, आज की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 22,000, एक मिनट, अभी वैल्यू फिलहाल 1,500 है जो हमें फ्यूचर में पे करना है, एन्युटी नहीं पता, और पीवीएफ कितना होता है चेक कर लेते हैं सर, कितने परसेंट, 9% है ना, 1/(1.09) कितने साल के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जीटी प्रेस किया तो ये आ गया 5.53, तो यानी अगर ये पता है, ये पता है बीच का एन्यूटी यानी किस्त निकाला जा सकता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एन्यूटी आ जाएगा, तो 22,1500 / 5.53, 5.534, तो सर ये क्या आ गया, 3,10। देखिए इसमें आंसर आप जब कभी भी चेक करेंगे तो 100-150 का फर्क भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट फ्रैक्शन का काफी रोल है, जो इसके अंदर आंसर जो निकाले जाते हैं इनके पास जो टेबल होता है, वो टेबल में 3 डिजिट लेते हैं, कुछ को राउंड फिगर करते हैं कुछ को नहीं, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। कहना है और लास्ट कैलकुलेशन, बच्चे कह रहे हैं हेक्टिक हो रहा है चलिए पहले फर्स्ट केस आप एक बार समझिए, पहले मैं एक एक करके पूछ लेता हूं, फर्स्ट केस में कितने बच्चों को डाउट है,
हाँ फ्यूचर में तो हम आप सबको गुना करो, ये कितनी बार दोगे किस्त? 8 बार दोगे। ये निकाला है किस्त, एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल कितनी किस्त जाएगी यहां पे 8 सालों तक। देखो आज हमारे पास हम कहां खड़े हैं तीसरे साल में, आज के टाइम पे इसकी वैल्यू ये है। एग्जामिनर बोलता है क्या किस्त अमाउंट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी कितना बने, तो एक तरीके से यहां पे बोल सकते हो, हाँ काइंड ऑफ बोल सकते हो सर फ्यूचर में भी यही वैल्यू है और प्रेजेंट में भी यही वैल्यू है। ठीक है, केस नंबर वन देखो फिर से समझा दूं इसे। क्वेश्चन में कहता है सर 20 लाख रुपए हम एक मशीनरी खरीदेंगे और 15% का डीपी दे देंगे तो बचा 17 लाख। कहता है 17 लाख मैं बैंकर को पेमेंट करना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं दूंगा, अगले साल भी नहीं दूंगा, उससे अगले साल भी नहीं दूंगा, चौथे साल के स्टार्टिंग में दे दूंगा मैं, यानी 3 साल तक ये पैसा मैं अपने पास होल्ड करके रखूंगा। तो बैंकर मेरे से 3 साल का ब्याज लेगा कंपाउंडली, 3 साल का ब्याज अगर कंपाउंडली लेता है तो इसका मतलब हमें वहां पे फ्यूचर वैल्यू बताना है और कितने साल का बताना है, आर हमारा तो 9 रहेगा और ये बनेगा 3 साल। तो सर 3 साल का वैल्यू निकाल के हमने ये कर लिया। कुछ बच्चे बोल रहे सर 4 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 4 के बिगिनिंग से देखो एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा 4 के बिगिनिंग में, तो चौथे साल के बिगिनिंग से तो मैं पेमेंट ही चालू कर दूंगा तो चौथे साल का ब्याज तो लगेगा नहीं हमारा, हमने तो सारा 3 साल के बाद करना है कैलकुलेट उसको। समझ में आई बात आपको? तो 3 साल का इसलिए यहां पे निकाला गया जो वैल्यू आ गया हमारा ये। अब सर आज की डेट पे हमारे ऊपर कर्जा, अगर मैं बैंकर को बोलूं भैया हिसाब किताब बराबर करो मैं नहीं लेना चाहता लोन, तो कितना दूंगा उसको? 22 लाख। बैंकर को मैंने बोला भैया, और एग्जामिनर बोलता है सपोज दैट इसको वो एनुअल इंस्टॉलमेंट फिक्स में दे तो 22 लाख उतना ही देना पड़ेगा इसे फ्यूचर के अंदर, लेकिन आपने इसको देखा कि हमारा 22 15 और इसको डिवाइड कर दिया तो 1 साल की ईएमआई आ गई, कितने की आ गई? अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो किससे, मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 8 से 8 किस्ते दोगे ना 24 लाख के आसपास, यानी ब्याज वगैरह लगा के 8 करना है मल्टीप्लाई, हाँ 31, यानी 22 लाख रुपए जो है ना आपके पास आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो किस्तों के माध्यम से। लेकिन ऐसा थोड़ी है आप बोलोगे कि पहला किस्त देंगे अब किस्त चालू हो गए तो ब्याज नहीं देंगे, जो अगला किस्त होगा वो दो चीजों को मिला के होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमें कितना अमाउंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो वही चीज हमने क्या करा, एन्युटी वैल्यू निकाला यहाँ पे, और एन्युटी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट में हमारे पास पैसा ये था, एन्युटी कितनी किस्त बनेगा नहीं पता, और ये हमें पता है पीवीएफ फैक्टर, पीवीएफ फैक्टर से हमने 1 साल का एक एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया जिसको बोला हमने ईएमआई। चलो इसको क्रॉस वेरीफाई करना हो ना तो आपको पता चल गया सर फ्यूचर में कितना पेमेंट जाएगा, टोटल 30 लाख के आसपास बन रहा है ना 31, तो आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो 8 बार इसके ऊपर ब्याज लगाते जाओ 9% के हिसाब से, इस अमाउंट के ऊपर ब्याज देना, फिर ईएमआई को घटा देना, फिर बाकी बैलेंस पे ब्याज लगाना, फिर ईएमआई को घटा दोगे, फिर बाकी बैलेंस पे ब्याज दोगे, उसके हिसाब से आप चेक करोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। जो बैंकर वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से इस्तेमाल करके आपको किस्त बताते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कौन सा है आपकी किताब में क्वेश्चन, जो बच्चा बाद में देखना चाहे वो देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2.2 चलिए यहां तक देखिए सवाल, आपने
अच्छा ये मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जब हम कुछ भी अमाउंट ऐड कर 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 करके तो ये 22 लाख रुपए यहाँ पे आके बन जाएगा आज। हाँ जी आज के देखो सिंपल सी बात है, अब आप 8वें साल में जाओगे तो 8वें साल में आप हिसाब किताब लगाओगे कितना पैसा दे दिया है, तो 8वें साल में आपको पता चल जाएगा सर मैंने जो भी मल्टीप्लाई करोगे ना इस किस्त से वो 8वें साल के, एक बार मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई एक बार कितना है? अब एक बार को ये अमाउंट भूल जाओ, हमें पता है फ्यूचर में कितना देंगे, ईएमआई हमें पता है, यहां पे ईएमआई भी पता चल गया, तो आप बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है ना हमारे पास, उस फॉर्मूले को पुट करके एक बार वेरीफाई कर लो, बस सिंपल सी बात है। देखो ये चैप्टर मैं पहली बात बोलूं, ये चैप्टर उन बच्चों को समझने में मुश्किल होगी जो पहला चैप्टर यही पिक करेंगे, हालांकि आपकी किताब में पहला चैप्टर यही है, मेरे हिसाब से पहला चैप्टर लीवरेज करते हैं तो एफएम का बहुत आसानी से हमारा सिलेबस समझ में आता है। ये चैप्टर करने में तभी मजा आएगा जब आपने कैपिटल बजटिंग का कर लिया होता, जिसने कैपिटल बजटिंग सीखा होगा तो उसको लगेगा ये तो पहले भी हम करते हुए आ रहे थे, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन है और वो कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे बड़े बड़े सवाल किए थे। सीवीएफ का फिर से कैलकुलेशन बता दो, सीवीएफ कैलकुलेटर पे निकालिए मैंने बताया ना। चलो मैं कुछ बच्चों के जो डाउट है ना, मैं कुछ अपने एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक चीज क्लियर कर दूं मैं। अब पीवीएफ बताना है आपने, 10% रेट है, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 5वें साल का। पीवीएफ बताना है, पहले ये बताइए जितने बच्चे लाइव हैं मैंने क्या पूछा है, आपको बताना है सर पीवीएफ और दूसरे साल का बताना है, फिर तीसरे साल का बताना है और फिर 5वें साल का बताना है। कैसे करेंगे? 1/1.1, तो दूसरे साल का बताया 0.8, 0.,6 वही बात है यार, 683 एक ने 0.9 निकाला, ये गलत है, वो फर्स्ट ईयर का है इसलिए मैंने यहां बीच में ईयर लिख दिया सो दैट आपको निकालना आ सके। हाँ साक्षी का 620, सेवन फाइव वन, समझ में आया? अब हम निकालना सीख रहे हैं पीवीएफ, 10% के हिसाब से निकालिए, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 साल का पहले आप ना पीवीएफ निकालिए, और इन सभी को जब हम जोड़ देते हैं ना तो सीवीएफ हो जाता है, सॉरी सीवीएफ कह दिया मैंने, पीवीएफ हो जाता है। इन सभी का पहले साल का क्या आएगा? 0., दूसरे साल का 0., तीसरे साल का 0., चौथे साल का 0., इन सभी को जोड़ के ये आ गया पीवीएफ। अब बच्चों का कहना है कि सर सीवीएफ भी निकाल के बताओ। सर सीवीएफ अगर मैं 10% बोलू ना और 3 सालों का निकालना है, 10% अगर बोलू 3 सालों का निकालना है तो सर कैसे निकालोगे? 10% 3 सालों का, 1+ में कैलकुलेटर निकाल लीजिए, 1.1 करिए, 1.1 करिए कैलकुलेटर पे, इनटू का सिंबल दबाइए और दो बार इक्वल करिए,
दो बार इक्वल करना होगा। देखिए 1.1 पहले साल का तो आप बता ही रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई एक साल हो चुका है, एक बार और दो बार, तो ये क्या आ गया 1. ये आ गया CVF। आप मुझे ऐसे ही बताइए 15% का CVF बताइए पांचवे साल का, 15% का CVF बताइए पांचवे साल का क्या आएगा? क्या कैसे निकालेंगे 1.15 इंटू, और पांच है तो एक तो हो ही गया, एक दो तीन चार बार करना होगा, तो 2.011। यानी जब हम CVF निकालते हैं तो एक कम बार इक्वल टू प्रेस करते हैं, ठीक है। अब एक था सर CV, यहां पे एन्यूटी का मतलब यह है, उसको जोड़ना है, लेकिन इसका फॉर्मूला अगली क्लास में जब हम अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन था उसके अंदर CVF लिखा हुआ था, जब क्वेश्चन में हमारा देखा होगा कि आंसर कुछ डिफर कर रहा था, तो वो CVF निकाल के करेंगे, यानी अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, हर किसी को क्लियर है PVF CVF। जिन्होंने आज ज्वाइन करा एक वीडियो डाल दिया है 10 डे एग्जाम स्ट्रेटेजी का, और उसी एग्जाम स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप तैयारी करें तो बेटर है। एक क्लास के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। मैनेजमेंट की क्लास कल 10:30 बजे। नहीं, मंडे से डेली क्लास किस लिए लेना है? आपका सिलेबस तो खत्म मंडे, उसके बाद जो क्लास होगा वो रिवीजन क्लास बोलो आप उसको। FM का लास्ट चैप्टर चल रहा था आज, ये संडे ही क्लास रख ले आप लोगों की, सुबह 9 बजे है। यस, क्लास ओवर। Why did we find A? A क्यों find किया? वो तो मैंने test करने के लिए बताया, check के लिए। बच्चे पूछ रहे हैं Sunday class है या नहीं है? कल Saturday है, कल मैं शाम को सभी को chat group में डाल दूंगा। वैसे 9 बजे रखूंगा class, ताकि Sunday ही खत्म कर दूं मैं इसको। या तो इसका रखूंगा, ये management की ज्यादा जरूरी है। FM का तो फिर भी खत्म हो रहा है syllabus, management की ज्यादा जरूरी है। इसका मंडे ही रखते हैं, मंडे ही रहेगा। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।